तो हेलो दोस्तों, आज की क्विक लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की क्विक लर्निंग वीडियो में हम जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और किस तरीके के म्यूचुअल फंड में, कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स को समझिए। जैसे आपके घर में एक बास्केट है, उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं ना, उसी तरह म्यूचुअल फंड भी एक बास्केट की तरह है जिसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स रखी हुई हैं। म्यूचुअल फंड एक बास्केट है जिसमें अलग अलग टाइप की, अलग अलग सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट को ना रखा जाता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, वही होता है म्यूचुअल फंड। एक बंदे की महीने की इनकम में उसके दो हिस्से होते हैं, सेविंग और एक्सपेंसेस। मोस्टली एक्सपेंसेस उसके 60-70% के होते हैं और 20-30% के उसके सेविंग्स होते हैं। ये मोस्टली केसेस में होता है, लेकिन हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है। कुछ लोग की इनकम इतनी कम होती है या फिर उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है कि वो सेविंग्स कर पाएँ, लेकिन जिस सेक्टर की सेविंग होती है वो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए वो उनके पास कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला ऑप्शन है सेविंग अकाउंट में। पैसे को सेव कर दिया, सेविंग अकाउंट में डाल दिया, जिसपे मोस्टली 4% तक का ही इंटरेस्ट मिलता है। तो ये कोई बहुत ही अच्छा और बहुत ही हाई रिटर्न वाला मेथड नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है 7-8%। तो ये भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन ठीक है, एक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें कुछ रिटर्न जो मिलते हैं वो थोड़ा से अच्छे मिलते हैं सेविंग अकाउंट्स के कंपैरिजन में, सेविंग्स के कंपैरिजन में। देन जो तीसरी चीज़ आती है, जहाँ पे एक नॉर्मल कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट करता है, वो करता है गोल्ड एंड ज्वेलरी में। पहले 2000-2010 के बीच में जो गोल्ड मार्केट है, गोल्ड की मार्केट है, वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर बढ़ी, बहुत अच्छे से ग्रो की। लेकिन 2012 के बाद से जो गोल्ड की मार्केट है वो बिल्कुल कांस्टेंट सी हो गई। बहुत ही नॉमिनल जो चेंजेस आते हैं हमारे गोल्ड के मार्केट में आते हैं, तो ये भी कोई बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। फिर उसके बाद आता है रियल स्टेट। टाइम था जब रियल स्टेट में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे लोग और बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स भी कमाते थे। वहाँ पे हाई रिस्क रहता नहीं था और रिटर्न बहुत ज़्यादा होते थे। रिस्क नहीं था क्योंकि मार्केट में डिमांड थी, रिटर्न जो थे उसके 30-40% के रिटर्न मिल जाते थे कभी कभी रियल स्टेट में, रिस्क भी कम था। लेकिन अब ऐसा एक टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पे रियल स्टेट में भी बहुत ही कम रिटर्न से, बहुत ही नॉमिनल रिटर्न से, 3-4% के, 5% के, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलते रियल स्टेट में। देन उसके बाद आता है फिफ्थ ऑप्शन। जो एक इन्वेस्टर है, जो एक कंज्यूमर है, वो थोड़ा सा अगर पढ़ा लिखा होता है तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। और स्टॉक मार्केट का आपको ऑब्वियसली पता है हाई रिस्क दैट मीन्स हाई रिटर्न। अगर जितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो उतना ज़्यादा रिटर्न भी मिलेगा और उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा, तो उतना ही रिलेटिवली ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न है, अगर रिस्क ज़्यादा लोगे तो रिटर्न ज़्यादा है। लेकिन हमारा जो एक नॉर्मल कंज्यूमर है वो रिटर्न ज़्यादा चाहता है लेकिन विद लो ऑफ रिस्क, है ना। तो इसके लिए क्या किया है, इसके लिए हमारे पास आता है जो सिक्स हमारे पास ऑप्शन आता है एक नॉर्मल कंज्यूमर के पास, वो होता है म्यूचुअल फंड्स। सेक्टर्स से जहाँ जहाँ पे एक नॉर्मल कंज्यूमर इन्वेस्ट करता है, तो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आपसे पैसा लेके कलेक्टिवली हर छोटे छोटे सेक्टर्स में, हर सेक्टर में ये पैसा लगा देता है। और उसके बाद कलेक्टिवली जो उसके पास पैसा आता है उसमें से बहुत ही मिनिमम चार्जेस 1% का, 1.5% का कमीशन चार्ज करके आपको आपके रिटर्न्स वापस कर देता है। तो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा मेथड है इन्वेस्टमेंट करने का, जिसमें रिस्क तो रहता है कुछ कुछ सेक्टर जहाँ है, जैसे मान लो शेयर मार्केट में उन्होंने आपके पैसे का कुछ हिस्सा लगा दिया। जस्ट एन एग्जांपल, मान लो कि आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने से आपका फ़ायदा क्या हुआ म्यूचुअल फंड्स में, उन्होंने 200 रुपये रियल स्टेट में लगा दिए, 200 रुपये गोल्ड्स में लगा दिए, 200 रुपये आपके शेयर मार्केट में लगा दिए, ऐसे ही रिलेटिवली हर जगह आपके पैसे लगा दिए। तो मान लो शेयर मार्केट से ज़्यादा रिटर्न आता है, और अगर मान लो 200 रुपये आपके शेयर मार्केट में लगा दिए गए म्यूचुअल फंड्स से, तो 200 रुपये की जगह क्या होता, रिटर्न ज़्यादा मिल जाए, 400 मिल जाए, 500 मिल जाए, 2000 मिल जाए, 4000 मिल जाए, है ना। वैसे रियल स्टेट का भी है, 200 की जगह आपको 300 मिल जाए, ऐसे कहीं कहीं पे हाई रिटर्न है, कहीं कहीं पे लो रिटर्न है। तो कलेक्टिवली जो अमाउंट बनता है ना वो रिटर्न मिल ही जाता है, हर जगह से जोड़ के कलेक्टिवली रिटर्न मिलते ही मिलते हैं। इसीलिए
ये कोई गारंटेड नहीं है कि रिटर्न मिलेंगे मिलेंगे, वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी रिटर्न मिलते हैं। इसमें से कुछ नॉमिनल चार्जेस हमारा जो एजेंट है, हमारा जो म्यूचुअल फंड एजेंट है, हमारा जो पर्सनल फाइनेंस एजेंट है, वो क्या करता है आपसे चार्जेस लेके आपके रिटर्न आपको दे देता है और आपका भी इसमें फ़ायदा होता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड काम करता है। लेकिन म्यूचुअल फंड किस किस टाइप के होते हैं और आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, ये मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन देता हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखना, जो लोएस्ट मार्केट में देखा गया है म्यूचुअल फंड में रिटर्न, वो 4% का देखा गया है, और जो हाईएस्ट रिटर्न और उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न जो अभी तक का देखा गया है वो 30% से 40% के बीच में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 30-40 तक ही लिमिटेड है, म्यूचुअल फंड में डिपेंड करता है वो 30-40% से 50 भी पहुँच सकता है, 60 भी पहुँच सकता है। तो जो हाईएस्ट रिटर्न है उसकी कोई लिमिट नहीं है, और लोएस्ट रिटर्न जो हमें मिला है वो मिला है आज तक का 4% ऑन म्यूचुअल फंड्स। लेकिन जो भी रिटर्न्स है ना, ये डिपेंड करते हैं मार्केट रिस्क पे, मार्केट पे डिपेंड करते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर मार्केट सही रहेगी तो आपको रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, अगर मार्केट ठीक नहीं है, थोड़ी सी डाउन चल रही है, तो आपको रिटर्न कम से कम मिलेगा। तो ये बात भी डिपेंड करती है मार्केट पे। तो दोस्तों हमारे पास ना 3 types ऑफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो पहला म्यूचुअल फंड होता है ना, वो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, जब एक्चुअल स्टॉक मार्केट में आपका पैसा, आपके पैसे का एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगा दिया जाता है, उसे कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसमें क्या होता है, आपके पैसे का कुछ हिस्सा जो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसे स्टॉक मार्केट में लगा दिया जाएगा, जहाँ पे हाई रिस्क है और हाई रिटर्न्स भी हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी अलग अलग सेक्टर्स बने हुए हैं और अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगाया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। लेकिन उसमें भी एक नुकसान होता है लार्ज कैप वाले में। नुकसान क्या है, रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत ग्रोन है, लेकिन रिस्क कम हो जाता है। तो अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। मिड कैप में क्या होता है, एक मीडियम लेवल तक का रिस्क होता है, और मीडियम लेवल तक का रिस्क है तो मीडियम लेवल तक का ही रिटर्न मिलेगा। और लो जो कैप कंपनीज हैं, लो कैप कंपनी जो हैं, उनमें क्या होता है, अगर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लो कैप कंपनी अभी ग्रो कर रही होती हैं, और अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ग्रो भी कर सकती है और बहुत ही स्पीड से फेल भी हो सकती है। तो यहाँ पे हाई रिस्क है, और जहाँ पे हाई रिस्क है वहाँ पे हाई रिटर्न है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक और चीज़ आती है, वो आती है ELLS। इसका मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम का मतलब होता है, ये होता है आपका टैक्स सेव करने के लिए जो आपके म्यूचुअल फंड लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इनकम टैक्स सेक्शन 80C के अंदर आपको रिबेट मिल जाता है, आपको 1.5 लाख रुपए तक की आपके टैक्स में सेविंग मिल जाती है। तो ELLS भी आपका एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है म्यूचुअल फंड्स के पैसा लगाने के लिए। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड आता है, वो आता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है, जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर डिवेंचर्स में पैसा लगाते हैं और उनकी ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे हम म्यूचुअल फंड में वहाँ पे पैसा लगा देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर डिवेंचर्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड और डिवेंचर्स में क्या होता है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है, पर बॉन्ड इशू करने के बाद वो क्या करती है, मार्केट से पैसा उठा लेती है ताकि वो अपने जो स्कीम्स हैं वहाँ पे पैसा को लगा सके। और एक बात ध्यान में रखना, गवर्नमेंट को अगर आपने पैसा दिया है तो ऑब्वियसली वो आपको वापस मिलेगा। तो यहाँ पे लो रिस्क होता है, लो रिस्क है तो मतलब लो रिटर्न्स भी मिलते हैं। और वही चीज़ डिवेंचर्स में भी है, कंपनी अगर डिवेंचर इशू करती है तो कंपनी को गारंटेडली वो पैसे वापस करने ही होते हैं, इसलिए अगर उसमें भी पैसा लगाया जाता है डिवेंचर में, तो वहाँ पे लो रिस्क होता है, और लो रिस्क होगा तो लो रिटर्न होगा। तो डेट म्यूचुअल फंड में थोड़ा लो रिस्क होता है तो लो रिटर्न भी है, और अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है वहाँ पे हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी है। लेकिन दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए या इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, तो मैं आपको कहता हूँ दोनों में लगा लो। दोनों में लगा लो मतलब कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा लो। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है, जहाँ पे आप डेट में भी लगा सकते हैं और इक्विटी में भी लगा सकते हैं। तो आपका जो तीसरा टाइप है म्यूचुअल फंड का, वो होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने कुछ पैसा इक्विटी में लगा दिया, आपने कुछ पैसा डेट में लगा दिया, टेंशन ही खत्म। और इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 70:30, मतलब कि 70% पैसा आपने लगाया डेट में और 30% पैसा आपने लगाया इक्विटी में। इससे फ़ायदा क्या रहता है, 70% जो पैसा है आपका वो लो रिस्क पे है, तो इससे आपको आराम से आपका 70% पैसा जो है वो बचा रहेगा। 30% पैसा आपका हाई रिस्क पे है, तो अगर चला भी जाता है 30% तो ज़्यादा दुख नहीं होगा इंस्टेड ऑफ 100% से। तो 70:30 इसका लो
रिस्क रेशियो है। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में ज़्यादा फायदा रहेगा तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है आप हाइब्रिड में लगाते हैं, आप इक्विटी में लगाते हैं या फिर आप लगाते हैं इसमें डेट में। अगर आप इक्विटी में लगाते हैं तो हाई रिस्क रहेगा, हाई रिटर्न मिलेगा। अगर आप डेट में लगाते हैं तो लो रिस्क रहेगा, लो रिटर्न मिलेगा। डिपेंड करता है आप किस पैसा कहाँ पे लगाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड का जो टाइप्स होते हैं वो एक साल के लिए भी आप लगा सकते हो, तीन साल के लिए भी, पाँच साल के लिए भी। तो ना ज़्यादा लंबा टाइम ना ज़्यादा कम टाइम, जो आपका जो बेस्ट टाइम होता है म्यूचुअल फंड में पैसा रखने का वो होता है बेस्ट, जो मैं रिकमेंड करता हूँ तीन साल का। तीन साल वाले में इतना फ़ायदा होता है कि आप आराम से अपने पैसे को सही टाइम तक रख सकते हैं। तीन साल ना ज़्यादा लंबा टाइम है ना ज़्यादा कम टाइम है, तो तीन साल का जो टाइम पीरियड है वो रहता है। तो म्यूचुअल फंड में एक बात ध्यान रखना, तीन चीज़ों का, रिस्क, रिटर्न और टाइम। रिस्क क्या होता है, जितना कम रिस्क हो उतना कम पैसा, जितना ज़्यादा रिस्क हो उतना ज़्यादा पैसा। रिटर्न क्या होता है, डिपेंड करता है रिस्क पे, अगर रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न ज़्यादा, अगर रिस्क कम तो रिटर्न कम। और टाइम पीरियड को ध्यान में रखना, टाइम पीरियड भी ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। अगर कम टाइम पीरियड है तो लेस रिटर्न्स होंगे, ज़्यादा टाइम पीरियड तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन मैं इसको रिकमेंड करता हूँ एक मीडियम टाइम पे, और मीडियम टाइम होगा तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें पता है कि पैसा हमारा ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ सिचुएशंस भी आ सकती हैं कि आपको पैसा ना मिल पाए या फिर कोई और भी दिक्कत आ सकती है। तो मीडियम टाइम ही बहुत ठीक रहता है म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स के लिए। तो ध्यान में रखना, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप हाइब्रिड में पैसा लगाओ, जहाँ पे रिस्क रिटर्न दोनों इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको रिटर्न, कुछ ना कुछ रिटर्न्स तो आराम से मिले, आपको कोई पैसा आपका डूबे ना। तो मेरी रिकमेंडेशन तो हाइब्रिड है, बाकी आप पे डिपेंड करता है और मार्केट पे डिपेंड करता है। तो आज के क्विक लर्निंग वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट जो क्विक लर्निंग वीडियो है बहुत ही जल्दी पढ़ेंगे। तो गुड बाय।